हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिकंदराबाद से डीवी का पूरा कंप्लीट रिव्यू दिया था। अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि सिकंदराबाद में डीवी और मेडिकल किस तरह से हो रहा है, बेसिकली मेडिकल में क्या क्या चेक किया जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही है, और कितने स्टूडेंट को फेल किया गया है मेडिकल में, और कितने स्टूडेंट डीवी में बाहर हुए हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सिकंदराबाद में जिन स्टूडेंट से मैंने डीवी का रिव्यू लिया था उनका मेडिकल फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो उनसे जो मेरी बात हुई है तो मेडिकल के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए जो है ट्विटर कैंपेन करो या फिर आवाज उठाओ, तो वेटिंग का जो पूरा ये मैटर है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ये देखने के बाद आपको जो है समझ आ जाएगा कि वेटिंग की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है अगर आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, और कितने चांसेज हैं यहाँ पर सेकंड डीवी में आपके जो है सिलेक्शन के, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डीवी के बारे में। देखो, मैंने जो है 7 फरवरी को इन स्टूडेंट का डीवी था जिनसे मैंने रिव्यू लिया था, 7 फरवरी को डीवी था। तो डीवी का तो मैंने रिव्यू आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था। डीवी में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट है वो वहां पे मांगे गए थे। अब जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो सीबीटी और पीईटी का जो हाफ पोर्शन एडमिट कार्ड का है वो वहां पे किसी ने भी नहीं मांगा। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर सिकंदराबाद में नहीं मांग रहे हैं तो बाकी जोन में नहीं मांगेंगे, बाकी जोन में मांग सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो संभाल के रखना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा रीजन नहीं है जिससे आपको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां पर नहीं मांगा गया, सिकंदराबाद की मैं बात कर रहा हूं। तो सिकंदराबाद में ना एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया सीबीटी पीईटी का, कोई जो है हाफ पोर्शन नहीं मांगा गया। वहां पर मेन जो वो लोग चेक कर रहे थे 10th की मार्कशीट चेक कर रहे थे, और आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, मान लो आप लोग एससी एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, या माइनॉरिटी से हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट वहां पे मांगा गया। आप थोड़ा सा जो है देखो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे जाके वीडियो देख लेना, उसमें सिर्फ मैंने डीवी के बारे में ही बात की। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, डीवी में जो है वहां पे 200 स्टूडेंट को उस दिन बुलाया गया था, और उस 200 में से 15 स्टूडेंट एबसेंट थे। ठीक है, जैसे काफी लोग पूछते हैं कि सर सेकंड डीवी आने के कितने चांस है। देखो, सभी जोन में सेकंड डीवी आएगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन सभी जोन का नंबर भी अलग अलग होगा। किसी जोन में हो सकता है कि 200 स्टूडेंट की शॉर्टफॉल पड़े, किसी में हो सकता है 500 की शॉर्टफॉल पड़े। तो शॉर्टफॉल तो यहां पर आएगी स्टूडेंट की जरूर, और सेकंड थर्ड डीवी भी आपका 100% आएगा। तो डीवी में 200 बच्चे बुलाए गए जिसमें से 15 बच्चे लगभग वहां पर एबसेंट थे। उसके अलावा अगर यहां पे मेडिकल की बात करें तो मेडिकल वहां पे एक दिन में 40 स्टूडेंट का मेडिकल हो रहा था, इसमें 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे। मतलब आप लोग देखो, 15 तो डीवी में एब्सेंट और 2 जो है आपके मेडिकल में एब्सेंट हुए। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको थोड़ा सा एवरेज भी मिले तो आपके जो है 200 में से कम 20 स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं डीवी मेडिकल में, अगर मिलाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर जो है आपका डीवी मेडिकल हो रहा है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेडिकल में चेक क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो वहां पर जो है यूरिन का सैंपल लिया जा रहा है, यूरिन का कोई टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा चेस्ट का जो एक्सरे है वो वहां पर कराया गया है, और चेस्ट का एक्सरे बेसिकली आपकी जो रिब्स वगैरह है उनको चेक करने के लिए होता है कि कोई मेजर इंजरी तो नहीं है आपकी चेस्ट में। उसके अलावा जो हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील का चेकअप वहां पे कर रहे हैं, कोई मशीन वगैरह से नहीं, सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके चेक कर रहे हैं। देखो, अगर आपको माइनर हाइड्रोसील है, ठीक है, माइनर है जो देखने से नहीं पता लगता, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेजर है तो शायद दिख जाए, और फिर आपको जो है मेडिकल में या तो वो टाइम देंगे आपको कि ऑपरेशन करा के आओ, अदरवाइज हो सकता है कि अगर उनको लगे कि ये सही नहीं हो सकता है आज जिस टाइम के अंदर उनको स्टूडेंट चाहिए, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे रिजेक्ट भी करे। बाकी ऐसी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं करते हैं, जिस बीमारी का इलाज संभव है उसमें रिजेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद वहां पर उन्होंने बताया कि थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर के लिए गए हैं। उसके बाद जो है उनके हाथ चेक किए गए दोनों, कि उंगलियां वगैरह प्रॉपर है, हाथ और पैरों की जो उंगलियां है वो चेक की गई है, और कोई मेजर इंजरी तो नहीं है। आंखों में जो है टॉर्च से चेक कर रहे थे कि वो कोई लेंस वगैरह तो किसी ने नहीं लगा रखा है। और जो है आंखों की जो जांच है, देखो ग्रुप डी में सिर्फ जो मेन फोकस रहता है वो आंखों की जांच पे रहता है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ है, वो आपको बुक दिखाते हैं, उसमें कलर वगैरह चेक कराए। सी टेस्ट हुआ है कि सी का मुंह किस तरफ खुला हुआ है, और डिस्टेंस विजन भी हुआ है, दूर बिठा के आपको वो जो अक्षर पढ़वाए जाते हैं कौन सी लाइन आपको प्रॉपर सही दिख है, वो वाला टेस्ट भी हुआ है। उसके अलावा एक कलर टेस्ट भी हुआ है सिकंदराबाद में। बेसिकली उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि फटाफट जो है लाइट्स को चेंज किया जा रहा था कलर, और उसमें आपको कलर बताना था कि अभी कौन से कलर की लाइट जल रही है। इस तरह से कलर टेस्ट भी हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 40 स्टूडेंट का वहां पे मेडिकल था उस दिन, और उसमें से 2 स्टूडेंट एबसेंट रहे हैं, और बाकी 200 में से 15 स्टूडेंट जो है डीवी में एबसेंट रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पासिंग परसेंटेज क्या आ रहा है। तो मेडिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग सभी को पास किया गया है। अगर किसी की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है तो शायद उसको यहां पे वेटिंग में रखा, अदरवाइज जैसे 40 स्टूडेंट
को बुलाया गया था तो वहाँ पे ऐसा बताया गया कि सभी को पास किया गया है, कोई स्लिप वगैरह उनको नहीं दी गई है, कोई रिटर्न में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ उनको ओरली बताया गया कि आप सभी लोग पास हो गए हैं और अपने घर जाओ, मतलब आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो EWS का जो सर्टिफिकेट है, कुछ लोग कह रहे थे कि वो पुराना ले जाना है या नया ले जाना है, तो EWS का सभी एक्सेप्ट हो रहा है, चाहे पुराना है चाहे नया है, सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका OBC का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो रेलवे फॉर्मेट में होना जरूरी है। मुझे ऐसा पता लगा है कि जो OBC का सर्टिफिकेट है उसके कारण कुछ स्टूडेंट को मतलब कि वापस भेजा गया, उनको दोबारा बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। देखो, जैसे एक इलाहाबाद के नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि जब आप DV के लिए आओगे, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हालांकि देखो, रिजेक्ट एकदम से नहीं करते हैं, इलाहाबाद में भी ऐसा नहीं होगा, वो लिखा हुआ इसलिए ताकि स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार करा के ले जाए। अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर तैयार नहीं है और जो 5-10 दिन के अंदर बन सकता है जब तक आपके DV चल रहे हैं, तो वो आपको दोबारा बुला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर फॉर्मेट में ले जाना। रेलवे फॉर्मेट में OBC का सर्टिफिकेट मांगा गया है और जो है आपका DM लेवल तक का वहां पे मांगा गया है, ठीक है। देखो, ये 3 लेवल पे बनता है आपका OBC का सर्टिफिकेट। एक जो है आपका SDO लेवल पे बनता है, जिसको आप कह सकते हैं CO लेवल पे बनता है, एक SDO लेवल पे बनता है, एक DM लेवल पे बनता है। तो जैसे भी करके करना, DM लेवल तक का बनवा लेना, क्योंकि वहां पे वही मांगा गया और रेलवे फॉर्मेट वाले पे ही साइन कराना, ठीक है। तो ये सिकंदराबाद का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया पूरा DV का। बाकी देखो, जो OBC का जिनके पास नहीं था फॉर्मेट, उनको 15 दिन बाद फिर से बुलाया गया है। दूसरा जो है, वहां पे कुछ स्टूडेंट का बायोमेट्रिक का भी प्रॉब्लम आया, बायोमेट्रिक उनका नहीं आ रहा था फिंगरप्रिंट में, तो उनको फिर से बुलाया गया है 1 हफ्ते के बाद, यानी कि 7-8 दिन बाद उनको फिर से बुलाया गया। रिजेक्ट उनको भी नहीं किया गया। देखो, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है, तो आपको दोबारा बुलाएंगे। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हो, आपको बाहर करेंगे, तो आप तो खुद ही नहीं जाओगे वहां पे, ताकि पकड़े ना जाओ। बाकी जो जेन्युइन होता है उसका दोबारा बुला के भी कराया जाता है। तो इस तरह से पूरा जो है मैंने आपको बताया, ज्यादा मेडिकल को बारीकी से नहीं कराया गया हां सिकंदराबाद में। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, सभी जोन में ना अलग अलग जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग वहां पे अथॉरिटी होती है, तो सबका तरीका थोड़ा अलग होता है, कहीं बहुत डीपली भी चेक करते हैं। लेकिन सिकंदराबाद में ऐसा बताया जा रहा है कि ज्यादा डीपली जो है चेक नहीं किया गया, नॉर्मल मेडिकल हुआ है और नॉर्मल मेडिकल में अधिकतर स्टूडेंट को पास ही किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। काफी लोग परेशान है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि सर आवाज उठाओ वेटिंग लिस्ट। देखो, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि 200 में से 15 स्टूडेंट एबसेंट है, और मान लो कि घुमा फिरा के 5 स्टूडेंट अगर मेडिकल में एबसेंट है, 200 में से 20 स्टूडेंट एबसेंट हो रहे हैं। अगर आप इसको जोड़ोगे ना प्रॉपर, जैसे आपका डी मेडिकल चलेगा, तो हर जोन में किसी में 200, 400, 500 इस तरह से स्टूडेंट की शॉर्टफॉल आएगी लास्ट में। तो देखो, जो वो शॉर्टफॉल आएगी उसी पे सेकंड DV, थर्ड DV आपका अनाउंस किया जाएगा। यहां पे वेटिंग का प्रावधान डायरेक्टली खत्म कर दिया गया था। वो क्यों किया गया था, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। जो आई थिंक आपके LP टेक्नीशियन वाले जो स्टूडेंट है 2018 वाले, उन्होंने प्रदर्शन किया था कि उस टाइम पर वेटिंग था, तो वेटिंग में उनको रखा गया साइको वगैरह करा के, और उनको बाद में जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर उनकी वेटिंग को क्लियर करना पड़ा। तो इस झमेले से बचने के लिए रेलवे ने क्या किया है, बेसिकली उन्होंने वेटिंग को डायरेक्ट खत्म कर दिया है कि कोई भी आके क्लेम ना कर पाए, ठीक है। कल को आप PET क्लियर करके बैठे, आप जाके क्लेम करोगे कि हम PET क्लियर हैं, हमें रखो, हम वेटिंग में हैं तो हमें जॉब दो। तो इस कारण से वेटिंग को खत्म किया गया। लेकिन अब इनडायरेक्ट वेटिंग कैसे काम करेगी, जैसे देखो मान लो एग्जाम्पल से समझो, किसी जोन में 100 सीट थी, मान लो सिकंदराबाद में 100 सीट थी, अभी 100 स्टूडेंट को बुलाया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो कि 200 में 20 एबसेंट हो रहे हैं, तो 100 में मान लो 10 एबसेंट हुए, तो 10 स्टूडेंट की शॉर्टफॉल वहाँ पे हुई। अब वो 10 स्टूडेंट सेकंड DV अनाउंस करके बुलाए जाएंगे जो PET पास हैं। तो देखो, जो PET पास वाले स्टूडेंट हैं, उनकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, लेकिन अलग अलग जोन में अलग अलग नंबर रहेगा। हो सकता है किसी जोन में 1 नंबर तक कट ऑफ गिरे, हो सकता है किसी जोन में पॉइंट्स में गिरे, हो सकता है किसी में 2 नंबर तक भी गिर जाए। तो यहाँ पे आपको जो है वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे तरीके से जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो काम कर रही है, और इसी तरह से आपके सेकंड DV, थर्ड DV आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। बाकी आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। हालांकि रिप्लाई करना सभी का संभव नहीं है, लेकिन कमेंट में रीड करके उसी के आधार पर वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।